नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्रेया साइड। तो पहले वीडियो में जैसे कि हमने देखा था गाइज कि पबजी से रिलेटेड हमने एक वीडियो निकाली थी जिसमें हम बता रहे थे कि पबजी का क्या इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट है, उसको बैन करना है नहीं करना है वगैरह वगैरह। तो हम कंक्लूजन पहुंचे थे कि पबजी अभी इंडिया में बैन नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में हम ये जानते हैं गाइज कि अगर पबजी इंडिया में बैन होता है तो वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा और कैसे होगा बेसिकली। तो गाइस देखिए, पहली बात, पबजी एक ऑनलाइन गेम है, ठीक है। इसको ऑनलाइन खेला जाता है, इसको आप पॉज नहीं कर सकते। और किसी भी ऑनलाइन गेम को खेलने के लिए आपको सर्वर कनेक्टिविटी चाहिए होती है। तो पबजी जो है वो एक सर्वर से लिंक है, 6 सर्वर से कनेक्टेड है। एक्चुअली 6 सर्वर से इसलिए बिकॉज 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनमें से एक कॉन्टिनेंट में कोई रहता नहीं है। तो पबजी की जो कनेक्टिविटी है वो 6 सर्वर से है। तो अगर आप जो पबजी है, पबजी को आप मानिए एक सर्वर की तरह, ठीक है। पबजी एक सर्वर है जिसका काम करने के लिए एक आईपी एड्रेस की जरूरत है। तो पबजी का जो सर्वर है वो एक आईपी एड्रेस से चलता है। और अगर आपको पबजी को बैन करना है तो आपको पहले जिस आईपी एड्रेस से पबजी जो सर्वर चल रहा है उस आईपी एड्रेस को ब्लैकलिस्ट करना होगा। और उस आईपी एड्रेस को ब्लैकलिस्ट करने के बाद क्या है कि आपका पबजी जो है वो काम नहीं करेगा। लेकिन आज के टाइम पे हमारे यूथ, हमारी नई जनरेशन इतनी ज्यादा टैलेंटेड हो चुकी है, इतनी मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग हो चुकी है कि वो जानते हैं कि वीपीएन नाम की एक बहुत ही खतरनाक चीज है जिसके थ्रू वो जो है किसी भी बैंड वीडियो को फिर से स्टार्ट कर ले रहे हैं। तो गाइज ये था मेन रीजन कि पबजी अगर आप बैन करते हैं तो कैसे बैन होगा। पबजी सिर्फ और सिर्फ आपका जो पबजी सर्वर का आईपी एड्रेस है उसको ब्लैकलिस्ट करके ही बैन किया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। और पबजी जैसे कि एक बहुत ही हॉट शॉट नोट है इस टाइम पे, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये कोई एज रिस्ट्रिक्टेड, कोई जेंडर रिस्ट्रिक्टेड वीडियो नहीं है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। बाय बाय गाइज़।